नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अंडर. अंडर को अगर हम, अंडर का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के नीचे, जैसे ओन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, इसी तरीके से अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे. जैसे पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि देयर आर सम सैक्स, सैक्स यानी कि बोरियाँ, अंडर कार्ड्स, ठीक है, कार्ड के नीचे कुछ बोरियाँ हमें नज़र आ रही हैं. सो वी कैन मेक दिस सेंटेंस, हाउ मैनी सैक्स आर देयर अंडर द कार्ड. हाउ मैनी सैक्स आर देयर अंडर द कार्ड, कितनी बोरियाँ हैं कार्ड के नीचे. एस ए सी के एस, सैक्स, सैक्स मीन बोरियाँ. हाउ मैनी सैक्स आर देयर अंडर द कार्ड. नेक्स्ट इन फ्रंट, बिहाइंड. सो बिहाइंड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के पीछे. तो वो कह रहा है बिहाइंड, अगर हम यहाँ पिक्चर में देखें तो कौन सी चीज़ जो है वो किसी चीज़ के पीछे, जैसे ट्रक के पीछे कौन है, कुछ डॉग्स हैं, कुछ डॉग्स जो हैं वो बैठे हुए हैं ट्रक के पीछे. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी डॉग्स आर देयर बिहाइंड द ट्रक, कितने कुत्ते ट्रक के पीछे हैं. तो इस तरह जो है वो हम बिहाइंड के प्रपोजिशन को इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन सेंटेंस बना लेंगे. इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के सामने. अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पुलिसमैन खड़ा हुआ है जो ट्रक के सामने है. अब यहाँ पर हम सेंटेंस बना सकते हैं, हाउ मैनी मैन आर देयर इन फ्रंट ऑफ ट्रक. कैसे हम बनाएंगे इन फ्रंट ऑफ का सेंटेंस, हाउ मैनी मैन आर देयर इन फ्रंट ऑफ द ट्रक, कितने आदमी हैं ट्रक के सामने. हाउ मैनी मैन आर देयर इन फ्रंट ऑफ ट्रक. इस तरह इन फ्रंट को इस्तेमाल करते हुए हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, हाउ मैनी मैन आर देयर इन फ्रंट ऑफ द ट्रक. सो लास्ट प्रपोजिशन इज एट द साइड ऑफ. एट द साइड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ करके. और यहाँ पर जैसे हम देखें तो ट्रक के साथ करके क्या खड़ी हुई हैं, कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं. तो हम कह सकते हैं अगर हम इसको, इस प्रपोजिशन को इस्तेमाल करें सेंटेंस में, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर एट द साइड ऑफ द ट्रक, कितनी लड़कियाँ ट्रक के साथ खड़ी हैं. हाउ मैनी गर्ल्स आर एट द साइड ऑफ द ट्रक, कितनी लड़कियाँ जो हैं वो ट्रक की सिम्थ में खड़ी हैं, यानी कि एक उसके साथ करके खड़ी हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑन पेज नंबर 17. लिसन टू द साउंड्स एंड रिपीट देम अलाउड, से द वर्ड्स. ठीक है, आपने इन साउंड को सुनना है और उनको दोबारा से रिपीट करना है और वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है. जैसे कि सी एल मिलकर कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कल. जैसे सी एल ए पी, क्लैप. सी एल आई पी, क्लिप. सी एल ए डबल एस, क्लास. और इसी तरीके से हम इस तरह की एक और साउंड प्रोड्यूस करें, जैसे कि सी एल ओ सी के, क्लॉक. क्लैप, क्लिप, क्लास, क्लॉक. देन एस एल, सल. एस एल ए एम, स्लैम. एस एल ए पी, स्लैप. एस एल ओ डब्ल्यू, स्लो. और इस तरह के अगर हम एक और वर्ड लिखें इसी सेम साउंड का, जैसे कि एस एल डबल ई पी, स्लीप. नेक्स्ट सी एच च, सी एच आई पी, चिप. सी एच आई एम पी, चिम. सी एच ई सी के, चेक. सी एच ए आई आर, चेयर. देन डी आर, डर. डी आर ओ पी, ड्रॉप. डी आर ई ए एम, ड्रीम. डी आर वाई, ड्राई. एंड डी आर ए डब्ल्यू, ड्रॉ. उसके अलावा D R E double S, dress. Again, clap, clip, class, clock. Slam, slap, slow, sleep. Chip, chim, check, chair. Drop, dream, draw, dry, draw, yeah, dress. Next, activity E. रीड दिस नंबर अलाउड, लर्न टू राइट दैम. पहले इन नंबर्स को आपने प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी है, देन आपने इनको लिखना है. जैसे कि ई एल ई वी ई एन, इलेवन. T
डब्ल्यू ई आर वी ई 12। 11 का क्या होते हैं? 11 का मतलब होता है 11 एंड 12 का मतलब 12। टी एच आई आर टी डबल ई एन 13, 13 मीन 13। 14 एफ ओ यू आर टी डबल ई एन 14, 14 मीन 14। एफ आई एफ टी डबल ई एन 15, 15 मीन 15। एस आई एक्स टी डबल ई एन 16, 16 मीन 16। एस ई वी ई एन 7 टी डबल ई एन 17, 17। EIGHTEEN 18, 18 मीन 18। NINETEEN 19, 19 मीन 19। TWENTY 20, 20 मीन पीस। नेक्स्ट, काउंट द आइटम्स इन द बॉक्सेस ऑन द पेज नंबर 18 एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, कलर द पिक्चर्स। सो कम ऑन पेज नंबर 18। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर जो है वो कुछ रिंग्स हैं। फर्स्ट वी हैव टू काउंट देम, पहले हम उनको गिनेंगे और फिर हम उनको नंबर में भी लिखेंगे और वर्ड्स में भी लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो दीज आर 20, टी डब्ल्यू ई एंड टी वाई 20 एंड नंबर में 20, 20। नेक्स्ट हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, हमारे पास बुक्स हैं। यू हैव टू कलर देम, आपने सब पिक्चर्स को कलर भी करना है। सो बुक्स हमारे पास कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। तो ये हमारे पास कितनी है? 16 है। तो 16 की क्या स्पेलिंग है? एस आई एक्स 6 टी डबल ई एन 16। और नंबर में हम कैसे लिखते हैं? 1 and 6, 16। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर कुछ कप्स हैं, और ये कितने कप्स हैं? वी हैव टू काउंट देम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगेन कप्स भी क्या हैं? 20 हैं। 20 के क्या स्पेलिंग थे? टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20। अब यहाँ पर बॉल्स हैं, कितनी बॉल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दीज आर 15 बॉल्स। 15 की क्या स्पेलिंग है? एफ आई एफ टी डबल ई एन 15, 1, 5, 15। नाउ देयर आर सम पिंस, हाउ मैनी दे आर पिंस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। There are 13 pins, ठीक है? 13 के क्या स्पेलिंग है? THIR TEE 13। लास्ट में देयर आर गिवन सम बर्ड्स, हाउ मैनी दे आर दीज आर बर्ड्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दीज आर 11 बर्ड्स, ELEVEN, ओके, 11 बर्ड्स। दीज आर 11 बर्ड्स।